प्राचीन उत्कलर एमिति अनेक सुंदर सुंदर कहानी अच्छी जहाँकि आधुनिकतार छापरे आज दुनिया रे हजि जीवा को बसला। आज आम सेमती गोटे सुंदर मनछुआ कहानी शुणा जार ना होची नेई आणिकी थोई जानिले चोरी विद्याटी भल। गोटे राज्य रे जने राजा थिले, राज्य रे सुंदर शासन करी प्रजा मानू निज पुओ भली पाळुथिले। से दिनकर कथा बगीचारे बुलुबुलु हठात राजा मुंड को गोटे अद्भुत ख्याल आसला। पाखरे थिबा मंत्री को पचारिले, महामंत्री दुनिया रे सबुठु को विद्याटी भल? राजा तो गोजा जहाँ मुंड को ठुकी थिबो सैया पचारि पकेबे, आउ सांगे सांगे उत्तर न पाइले मुंड काट। तहु राजा प्रश्न शुणी मंत्री कहिले, मणिमा नेई आणिकी थोइ जानिले चोरी विद्याटी भल। राजा विचार कले, चोरी करिबा तो महापाप, पुणी मंत्री एते बड़ कथा ताहले कहिले काहेकि? हौ मन कथा मनरे रखी राजा नीरव रहिले। किछि दिन चलीगला, राज्यर भलमंद बुझिबा पई दिने रात्रिरे राजा छद्मवेशरे अंधारी विजय करुथांती। हठात मंत्री कथाटी तांको मनकु आसीगला जे नेई आणिकी थोइ जानिले चोरी विद्याटी भल। सहज तो राति होता, राजा भाविले मंत्री कथा केते सत केते मिछ आज परीक्षा कर देखा। जोग को सही समय बेलू राजा गोटे कुंभार साई देकि पाखरे देखिले कुंभार शाळटी अच्छी। तेणु आग पछ विचार नक राजा पशिले कुंभार शाळ भितर, देखिले थाक थाक केते हांडी माठिया सब गढ़ा हो थुआ। राजा कौन कले हांडीटे चोरी करिवा पाई सब्बा तल थाकरु हांडीटे भिड़िले। राजा जदि उपरु हांडीटे उठाई थांते ताले आराम रे हांडीटे चली आसता, मात्र सीए तो राजा लोक चोरी करिवार कला कौशल जणा नाही। तेणु से जेमति तलु हांडीटे भिड़िले उपर थिबा सब्बु जाको हांडी दुलदाल हेकि तले पड़िकि भांगिला। हांडी भांगिवार शब्द शुणिकि कुंभार शाळ रे चोर पशिला भावी साई जाकर लोक धाई आसिले। अंधार राति रे छद्मवेशरे थिबा राजा को चिन्ह न पारि साई जाकर कुंभार तांकु बहे छचिले। राजा भी लाजरे मुह खोली कहि परु न थांती मुं राजा बोली, किंतु विधा गोईठा खाई कि जेतेबेले देह मुंड दरज हला बाध्य होई कि राजा मुह खोली कहिले, मते छाड़ी दियो रे, मु होउछि ए राज्यर राजा। एक कथा शुणी कुंभार जका आहुरी पिटले, कहले हरे राजा को कले चोरी करिवा पसंदी ता पुनी छार हांडीटे पई कहि आहुरी नादी देगले। शेषे बाध्य हो कि राजा निजर गोपन परिचय पत्र टी देखु कुंभार माने निजर भूल बुझिपारि लंब हो राजा गोड़ तले पड़गले। कहले मणिमा आम मूर्ख, आमको क्षमा कर दिंतु, आम जा नपारी अपराधटाए कर पकेलु। राजा आए कौन भूल तो निजे करेषे कहले, ठीक अच्छे मु तुम मानक क्षमा दे, किंतु ए कथा जमी तुम मैंने आउ कहा आगे न कह, जदि कथा प्रघट हुए ताहले तुम समस्त मुंड काट हेब। एया कही राजा आउ अंधारी विजय करिवे कौन बाटे बाटे उवासुक फेरिले। लज्जा अपमान आउ माड कष्ट राजा मने मने मंत्री उपर रक्त चाउल चोबौ थांती। जेमती सकाळ हेला आउ दरबार बसिला, राजा सांगे सांगे आदेश देले ए मंत्री आउ ता बंश जाक लोकंकर मुंड काट कर। तांको मुंड काटी रक्त आणिले, सेई रक्त रे मु चिता कले जाई खाद्य पाटरे देवी। एणे मंत्री मुंड रे चड़क पड़िला, भाविले मु एमिति कौन अपराध कली जे राजा मते आउ मो परिवार जाकर मुंड काटर आदेश देले। एपटे कुंभार साईरु माईपी माने टुपुरु टापुर हेबारु कथा जाय मंत्री कान में पड़ा, आउ असल रहस्य मंत्री बुझिपारे। किंतु उपाय बा कौन, मुंड काटर आदेश तो मिल सारे। एवं कटुआल आसी मंत्री आरवार जाक नहींगला शुआपदा को, जितेबले सी से हाणवा को बाहर से मंत्री बड़ काकुती मिनती कहले, आम समस्त को हाण पछे मात्र मो बोहूटी को हाणनी, कारण एवं सी गर्भवती अच्छी ताकू हत्या कले तते नारी हत्या और शिशु हत्या दीटा जाकर पाप लगे। एक कथा शुणी बोहूटी कहला, जदि समस्ते मरिबे
ताहले मु थाय कि कोन पानी देबी से कथा हेई परिवनी बरों आगे मो मुंडो काटो एमिति विकल अवस्था देखी कटुआल को बड़ दया लागला से मंत्री को कहिला दिन थिला आपण का आज्ञा रे मु केते केते लोकंकर मुंडो काटुथिली आज जोग देखंतु मते आपण को मुंडो काटरा आदेश मिलिचे हौ आपण गोटे काम करंतु ए रात्रिक भितरे आपण परिवार सह ए राज्य छाड़ी आउ को राज्य को चली जांतु मु चढ़ेटाए मारी ता रक्त नहीं राजा को देदेवी एक कथा सुनी मंत्री तांक परिवार धरी राता राति राज्य छाड़ी चली गले कटुआल गोटे बण कुकुड़ाटीए मारी राजा को मंत्री मुंड काटर रक्त बोली कही आणिकी देखेला मंत्री आच्छा पाने पाइची बोली भाभी राजा मध्य खुशी हेले या भितरे बीतीगला पाखापाखी बार कि पंदर वर्ष सेतेबेले मंत्री बोहूर पेटरे जो छुआटी बढ़ुला एबे को से चाटशाली जाई पाठ पढ़ा आरंभ करदेला दिनकर कथा से पिलाटी ता सांग मानक सहित मिसी खेलु खेलु पेंडुटी टिके बाट गड़गला तहु मंत्री नाती गोटे पिला को कहला मो पेंडुटी आनी दे तो से पिला कहला जा जा कौ राज्य बोले कौ राज्य आठ अच्छु मत आसी हुकुम दौचु एक शुणी नाती टोका को बड़ खराब लगला सी आउ काहा को किछि न कही न खाई न पी गोटे घर कोण से मुह माड़ी जाए शोला जी जिते डाकिले भी कहारी कथा शुणिलानी कि काहा को किछि उत्तर भी देलानी सी केते समय पर मंत्री आसी एक शुणी बड़ गेल कर कहले बाबूरे कौन है मत कह मु तार समाधान करदेवी तहु तो नाती कहला आगे तुम सत्य कर मु जहाँ पचारि सत सत कह गोटे बोली तो नाती कूलर प्रदीप सीए तेणु मंत्री कहले हौ कह सत्य कली जहाँ तू पचारू सत सत कह टोका सेठू पचारा आमर कौ राज्य कह आमे ए राज्यर ना नाई मंत्री तो सत्य करहले यही कथा को ना पेली देली कली कथा को पचारुणी जदि हौ शुण तापर मंत्री ताको गोटी गोटी करी सबु कथा कहले कहले नहीं आने की थोई जानले चोरी विद्याटी भल या मु राजा को कही किंतु राजा तार मर्म बुझी न पारी निजे माड़ खाइले आउ आम को मुंड काटर आदेश दे भाग्य भल आम बंची जाए ए राज्य आसिक अच्छे सबु कथा शुणी सारापर टोका कहला मु से राज्य को जीवि किंतु मंत्री एथिरे जम्मारु राजी हेले कहले राजा जदि जाणी ताले मुंड काट हेब मात्र सीए तो मंत्री नाती सीए भी कौ छाड़ू शेषर आउ बाट नपाई बाध्य नातीर जी दागरे मंत्री मुंड नुआईले घरे जहाँ किसी सुना मोहर थिला ताकु आनी पुटुली टीए बांधी नाती हाथ में धरई दे कहले हौ जा तो भाग्य थी कही घोड़ा शाड़ घोड़ा टीए फिटे आनी दे टोका घोड़ा उपरे बसी टप टप हो जाए पहुँचला से राज्य बाट पचारि पचारि टोका जाए पहुँचला राजा मालुणी घरे दुआर मुहरे घोड़ाटी को बांधि टोका जोबले भितर को पशिला ताकु देखि बुढ़ी पचारा किए रे तू चिन्हा नाई जना ना मो घर को कहीं आसिलु टोका किसी न कही सांगरे जो सुना मोहर आनी मुणीटी फिटे दे बुढ़ी को देखेदेला एत गुड़ाए सुना मोहर एका सांग बुढ़ी ता जीवन में केवे देखि नाला तेणु सुना मोहर देखि बुढ़ीर पाटी बंग टोका कहला मौसी तू यही सुना मोहर तो करक ता बदल मु तो घरे किछि दिन रही एतिक नुह बर जहाँ रोजगार करी सबू आणिकी तोरी हाथ देवी बुढ़ीर तो पुओपाति कहीं नकथा शुणी बुढ़ी टोका को धरम पुओ करी घरे रखिला टोका बुढ़ी की मुंड छुआ कि नियम करेला कहला मु ए घरे अच्छी बोली तू कहारिके कहिबुने राजा घर खबर जाक प्रतिदिन मते आसी कहिबू ता बदल रे मु तते गदा गदा सुना मोहर देवी बुढ़ी ए कथार राजी हेला तापर टोका कौन कला धीरे धीरे सीए से राज्य रे चोरी करिबा आरंभ करदेला आगुरु तो से राज्य राजा सुशासन करुथिले तेणु से राज्य चोरी नारी किछि नथिला
किंतु टोका चोरी करिबा परे धीरे धीरे से खबर जे राजा कान रे पड़िला। किंतु राजा किए गोटे अभावी लोक पेट विकल रे सबू ठाउका चोरी करथियो भावी ए कथा को आदम गुरुत्व देलेनी। टोका बुढ़ी पाखु सब कथा शुणिला कहिला हाउ ठीक अछि एथर ताले बड़ चोरी आरंभ करिबा। से राज्यर सबुठ बड़ सौदागर थिले सर्वेश्वर सौदागर अचलाचल संपत्ति तांकर गोटिए बोली पुओ वणिज करिबाकु विदेश जाइथाय जे सात आठ वर्ष होलानी घर को फेरि नथाय कि किछि खबर भी पठै नथाय। सेही कथा को नै साधव घरे समस्त बड़ चिंता रे थांती। टोका कौन कला दिने संज बुड़ी जीवा परे सर्वेश्वर सौदागरर पुओ बेश धरी गोटे बड़ मुणारे मुणे हब सुना मोहर धरी जा पहुँचला साधव घरे। रातिर अंधार रे ताकु भलरे चिन्ही न पारी पुओ एत दिन पर आसी भाभी समस्ते भारी खुशी हेले। ए टोका जाणीशुणी गोटे बाहाना करी कहिला विदेश रे मोर देह भल न रहिबेरु एते दिन धरी आसी पर नथिली ता सांग को एबे मोर गोटे आखि रोग बाहरिछि। बैद कहिछि डिबि आलुओ आखिरे पड़िले आखि फुटि जिवो तेणु तमे माने जेते शीघ्र पारुच आलुओ लिभै दियो। ए कथा शुणी साधव घरर सबुजाक आलुओ को लिभै देले। केवल दूर रे गोटे मात्र आलुओ मिंजी मिंजी करी जाळिकि रखिले। टोका तो सेया चाहूथिला अंधार हेबारु ताकू मध्य अन्य माने भलरे के देखि पारलेनी कि चिन्ही पारलेनी। पुओ एते दिन पर घर को आसी बोली साधव आसी अंधार कोठरी भितरे टोका पाखरे बसिले। टोका भी सुविधा देखी मुणीटी जाक सुना मोहर साधव आगे खोली रखिदे कहला बापा ए सबू तुमर एते गुड़ाए सुना मोहर पुओ रोजगार करके आनी देखी साधव भी भारी खुश। दुहे बहुत राति जाए बस कथा जमेले। पुओ विदेश को गला साधव जोठू जहाँ कमेले जोठी जहाँ लुचे कि रखी सबू गोटी गोटी कर टोका आगे कहीगले। शेषे कहले तू आसी नु बोली मु बड़ व्यस्त होली एबे तू आसीगलुनि जत एणिकी तो घर को तू संभाल कही अंटर चाबी पेंथा को बाहर कर टोका हाथ में धरईदे शोवाक गले। टोका तो से चाहूला जितेबले अधा राति गला समस्ते निदरे शोई पड़िले। टोका धीरे जाई कान पारी देखिला समस्ते घुंगुड़ी मारुछंती बा से सुजोगरे टोका चाबी खोली आपे देइथिबा सुना मोहर सांग को साधव घरे जहाँ जोठी सबू थिला राता राती धरी चंपट मारला। सकाळ हेलारु साधव देखिला पुओ फुओ केही नांती सिंधुक बाक्स सब मेला हाइकरी पड़ी घरे कोठी गोटाए भी मूल्यवान जिनस नाही गोटा जाकर घर कलाकना बुली जाइछि। चाहूँ चाहूँ राई जटा जाक हुरी पड़गला जे सर्वेश्वर साधव घर काली राति चोरी होइछि। कथा जाए राजा कान रे पड़ला एड़े बड़ साधव घर चोरी होगला तेणु एथर राजा कथाटा को गुरुतर करनेले। दूत को डक कहले सबू गाँ मानक डेंगुरा दे दियो जे प्रति गाँवर लोक मैंने पाड़ी कर गाँ जगतु किंतु किछि लाभ हलानी राज्य में जो चोरी को से चोरी लग रहा गाँव में जीए पाड़ी कर जगिला से दिन राति तारी घर चोरी है। शेषे राजा सेनापति को दायित्व देले जो दिन सेनापति दायित्व नेले से दिन राति सेनापति घर चोरी है जीए जिते जगतीयर हेले चोर आउ धरा पड़ानी। शेषे बाध्य राजा गुरु ओसई को दायित्व दे सेदिन मालुणी आसी टोका को कहला बापरे तू आज आउ चोरी करने को जानी। टोका पचारा किलो मौसी कहीं तो हूँ बुढ़ी कहला आज चोर धरवार दायित्व राजा गुरु गोसाई को देखते गुरु गोसाई बड़ तांत्रिक लोक देवी साधना करे तेणु तत्ते मंत्र बल में बांधि पकेबे। टोका मालुणी पाखर गुरु गोसाई बाबद सब कथा शुणिला जे नीति सन्धार गुरु गोसाई पोखर की जाती पोखरी हुड़ारे लुगापटा खोली रखिदे लंगड़ा ही पाणी पसंदी बेके पाणी रे ठिया है घड़े जाए कौन गोटाए मंत्र साधना करती। संध्यारे भी गुरु गोसाई लुगापटा तक हुड़ारे रखिदे लंगड़ा है बेके पाणी रे पशी मंत्र साधना कले। टोका कौन कला से ही सुजोगरे लुचि लुचि जाई पोखरी हुड़ारु गुरु गोसाई लुगापटा तक धरी छु मारला। एणे कौन कला ना काखरे पांजी खंडे जाकी पिंधा दसड़ा पिंधि नाहक बेश पहुँचला गोसाई घरे कहला भाई जहाँ घरे डाक्तर बेसी तारी घरे रोगी माड़ माड़ ठीक सेमती नाहक को देखी गुरु गोसाई भारी जासी हाथ देखले।
गुरु गोसाईं बाबद टोका जहाँ सब बुढ़ी पाखु शुणी भारीजा आगे गोटी गोटी कर सब बन चुने कहू नाहक गुरु गोसाईं भारीजार बड़ विश्वास आसीगला। बुढ़ीर मन को बुझिपारी से सुजोगे टोका कहला आज राति गोसाईं मरण जोग अच्छी राति घड़े जावापर मशाणी चंडिया गोसाईं बेश धरी तुम घर को आसी कबाट बाड़ब। गुरु गोसाईं जा कबाट खोलवे तो सांगे सांगे मशाणी चंडिया गोटा खाई। एक शुणी गोसाईं भारीजा कचाड़ी तले पड़े केते कंदा कटा कर शेष कहले एथिक उपाय कौन टोका कहला उपाय अच्छी तुम गोटाए काम कर एबु चूली में गोटे बड़ कड़े कड़े पा बस टकमक फुटेक रख तांग को पुणी बोलुओ झुड़िया हे साहित्य रख आउ टिके समय पर जितेबले मशाणी चंडिया लंगला है आसी ठीक गुरु गोसाईं स्वर में डाक आउ कबाट बाड़ब तुम्हें कबाट खोली जमा डेरी नक टकमक फुटुवा कड़ेटा जाक ततला पा को फोपाड़ी दब सी मरीगली मरीगली बोली जिते चित्कार कर किसी न शुणी बोलुओ जाक गोटे पर गोटे कर नादी दे बास एतिकी ताहले गोसाईं मुंड रम विधवा जग को कहीं काटिपारे गोसाईं भारीजा नाहक कहवा कथा अनुसार कड़े हम पा टकम कर फुटेक रखिले दांडर बोलुओ मेचे हम गोटे आनी साइतिक रखिले एणे कण हो गोसाईं मंत्र साधना सारी कूल को आसी देखला बेलू लुगा ना लंगड़ा ताही आसवे केमी बड़ लाजर कथा कौन करे बाध्य ओदा सरसर हो बाड़ मुकुला करी लुचि लुचि गोसाईं बाड़ी पटे आसी घर को जीवापी कबाट बाड़े नाहक तो आगुरु गोसाईं भारीजा को सब कथा कहीकिला सी मध्य कबाट जलाबाटे देखिले अबिकल गोसाईं भाई दिशुवा किए गोटे लंगड़ाटा हो कबाट बाड़ तेणु ताक मशाणी चंडिया आसला भाभी गोसाईं भारीजा डेरी नक कबाट खोली कड़े जाक ततला पा तारी उपरकू छाटीदे गोसाईं इलो बोलो मरीगली मरीगली कहला बेलू भारीजा जो बोलुओ रखी गोटे पर गोटे बोलुओ नादी देगले एक तो ततला पा गोसाईं छाल उतरी जाता तांग को पुणी बोलुओ माड़ खाई गुरु गोसाईं सांघातिक अवस्था है सही सी दुल्किना तले पड़े केते समय जावापर गोसाईं भारीजा मन में सन्देह होगा आलो आनी देखला बेलू गुरु गोसाईं हाते लंबर जीभ काढ़ी पड़ी धकौं जीवन जीव कि आसब एमती अवस्था एक देखी गोसाईं घरे कांद बवाली पड़गला गोसाईं कान नाक फुंकी मुहरे पानी छाटी चेता कई घर को नेले समस्ते गोसाईं टे साम हबार सबू कथा शुणापर जान ले सब से चोरर काम कहीं आर दिन सका उठी राजा चोर को देखिए कौन देखला बेलू गोसाईं अवस्था एपटे दूत आसी खबर देला जे काली राति ठा ठा हई पांचटा जगार खूब बड़ बड़ चोरी हो राजा देखिले अवस्था असंभा ए चोर को तो आउ पारिहलानी राजा को बड़ चिंता लगला एमती विषम परिस्थिति शासन काल भितर के ना कौन करे है शेष को राजा कहले आज चोर धरवे मंत्री राजा तो आदेश दे सारे मंत्री आउ करे कौन किछि बाट न पाई मंत्री गोटे हरिकाठ तैयारी कले एणे मालुणी आसी टोका को कहला बापरे आज मंत्री जगिबे तेणु तो मुंड गला बोली जान से तते कहुची आज आउ तू चोरी करने को जानी टोका कहला तू से चिंता करनी मौसी मुताई बाट तैयारी करी रखी तू खाली गोटाए काम करू संज बेले राजा को फूल दे नर रु फेर बेलू नरर बारी दुआर गला बाट सिकुड़ीटी तू मेला कर दे कर आसबू बुढ़ी तो चोराधन सबूक रखुची तेणु ना ही करा केमी सतकु सत टोकार कहवा अनुसार बुढ़ी नरर बाड़ी दुआर गला बाट कबाटर सिकुड़ीटी खोला रखिदे आसला टोका से बाट दे नर भितर पशिला माई पिलुगाटे पिंधि हाथ में ढाटे धरी सज हो रहा एणे मंत्री तो हाथ में हरिकाठ धरी घोड़े बस पहरा दे मंत्री बुली बुली आसी नर पछपटे पहुँचला बेलू टोका ढाटी धरी कबाट खोली बाहर को बाहर मंत्री राति अधरे देखि पचारे किए रे तू टोका तो माई भी बेश धरी कहला मुझे जेमा दे भारी जोर पोखरी पा लगभग पोली चाकराणी को डाकवाई मत आउ तर सहलानी से बाहरी आसली
किंतु आसिली सिना हेले बाहर को आसिला बेलकु अंधार देखि मते भारी जोरे डर लागलानी। तमे जदि एठी टिके समय ठिया हुअन त मु कामटा सारि देकि आसंती। मंत्री कहले हौ ठीक अछि मु एठी ठिया होची तमे जाओ। टोका किछि बाट जाई मिछि मिछिका गोटे बुदा मूळरे बसिला। तापरे पानी सारी सेठु आसी मंत्री को पचारिला तमे मंत्री है एते रातिर एमती एठी पहरा काहेकि दौच। मंत्री चोर को धरी यही हरिकाठ से पकेबी बोली कहले। जेमा बेसरे थिबा टोका पचारिला हरिकाठ से केमिति चोर रहइबो। तहु मंत्री कहले ता गोड़ हाथ एथिरे भर्ती करी खिलो बाड़े देले चोर आउ हल्ली पारिबनी। जेमा कहले मु गोड़ हाथ एथिरे भर्ती करूची केमिति चोर पड़िबो टिके खिलो बाड़े मते देखाओ। मंत्री जीभ कामुड़ी पकई कहले तमे राजांको जेमा दे मु केमिति तमुके हरिकाठ से पकेबी। राजा शुणिले मो मुंड रहिबो त बरु तमे गोटे काम कर ए हरिकाठ से मु गोड़ हाथ भर्ती करूची कौटी कौटी खिल बाड़िया पड़िबो से कथा मु तुमको कहिबी तमे खिल बाड़ेबो। केमिति हरिकाठ से चोर पड़ती देखि सरला परे तमे खिल जाक हुगाड़ी देबो मु बाहरी आसिबी। कही मंत्री हरिकाठ से गोड़ हाथ पुरेई कौटी केमिति खिल बाड़िया हबो बतेइदेले। टोका से अनुसार आच्छा करी किलाटी मान पिटी मंत्री को सही हरिकाठ से पकई दे दांडे दांडे छू मारला। सकाळ हेलारु राजा उठिकि देखिले चोर हरिकाठ से पड़ कौन मंत्री हरिकाठ से पड़ी। एणे दूत आसी खबर देला काली राति आउ चारि जगार चोरी होई बुझु बुझु काली राति जेमा पोखरी पानी उठि नथिले। मंत्री आउ शरम रे मुह टेकि पारलेनी। राजा मने मने रागिले कहले चोरर पुणी एते साहस नर भितर पशि एते हुंदर कर देकरी गला नाय ए अपमान आउ सही हबनी। आज राति मु चोर जगिबी। मालुणी आसी कहला बापरे आज राजा चोर जगिबे। टोका कहला माउसी आज तोर खंडे चीरा लुगा मोर दरकार। मालुणी कहला यही कथा को एत चिंता तू एते धन दरब आनी मो घरे पुरौचु मु तते चीरा लुगा खंडे देवी ना केमिति ने। एणे राति हेला राजा पाग पुटुका पिंधि चारि हतियार बांधि घोड़े सवार होई चोर धरने को बाहर। टोका कौन कला मालुणी पाखरु जो चीरा लुगा खंड काणी थिला सेटिकि पिंधि मुंडरे ओढ़नी दे गोटे दोछकिरे बसी घड़र घड़र कर चकीरे मांडिया पेशिला। राजा तो चोर जगुथिले किछे समय परे घड़र घड़र शब्द शुणी सेठी आसी पहुँचले। कहले एते राति एठी किए बुढ़ी कहला मु दुखी बुढ़ी टीए राति मांडिया पेशे सकाळ हेले ताकु बिकिकी जो दी पैसा पाए सेइथिरे मो संसार चले संज बेलु मु एइथि बसी एंती मांडिया पेशुची। राजा पचारिले आच्छा माउसी एही बाटे चोर केही जिबार देखिछु कि। बुढ़ी कहला आरे पुओ एही टिकिया आगुरु एही बाट देखि गोटे भेंडिया पिला गला मते लागुची सी चोर ही हेइथिबो निश्चय। मोट दी मुठा मांडिया चुना खाइला पैसा मागिबारु आउ टिकिए परे आसी पैसा दबो बोली कहि एही बाट देइ गला। राजा चोर पछरे जिबाकु बाहरला बेलकु बुढ़ी कहला आरे पुओ कुआडे जाउचु एमिति कले तू कि चोर को धरिबु बर गोटे काम कर घोड़ाटा को मो बाड़ी पछपटे बांधि दे जो पाग पटुका हाथ हथियार सब धरीचु से सब भितर घरे रखि देकरि मोर ए चीरा लुगाटी पिंधिकी तू एठी बसी मांडिया पेस मु भितर घरे अच्छी चोर मांडिया पैसा दबा को आसला बेलकु तू ता हाथ को खप किना धरिबु। राजा देखिले सुविधा उपाय सांगे सांगे बुढ़ी कथार राजी हो जाई राजा से चीरा लुगा खंडक पिंधि बसिकी मांडिया पेशिले। एणे टोका कौन कला राजा पाग पटुका पिंधि हाथ हथियार धरी घोड़ा पीठी से बसी टप टप हो चलला उवास को। सिंह दर से जोबले पहुँचला जगुआली राजा आसिले बोली भाभी बाट छाड़देले। टोका से कहला भल भाव जगु था तुम मैने राति ठीक पाही पाही आसला बेलू गोटाए बुढ़ी आसी पहुँचब कह मु राजा से ही हूँ असल चोर तेणु तुम मैने आग पछ किसी विचार नक धरी नादी देव या कही निजे वास भितर को जा राजा शोवा घरे पशि भितर पटु कबाट किलिक रहा। एणे कौन हो राजा मांडिया पेशी पेशी हालिया चोर फोर कही देखा नहांतीपटे राति पाइब पाइब है राजा मनरे सन्देह आसला।
ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗ ପଟୁକା କିଛି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ପଟେ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଚୂନ ଲଗାଇଲା ଚୋର ମୋତେ, ଏଣେ ନିଜେ ମାଇପି ଲୁଗାଟାକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରମ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଲୋକେ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଆ ଭାବି ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ଜଗୁଆଳି ତ ଆଗରୁ ହୁକୁମ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି କିଏ, ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ରାଜା ପାଟି କରି ନିଜର ଗୋପନ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟି ଦେଖାଇବାରୁ ଜଗୁଆଳି ଚିହ୍ନିପାରି କହିଲେ, ମଣିମା ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯିଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିତରକୁ ଗଲା ସେଇ ହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ଚୋର। ରାଜା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋକା ତାଙ୍କରି ଶୋଇବା ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି। ରାଜା କବାଟ ଫିଟା ବୋଲି କହିବାରୁ ଟୋକା କହିଲା, ମଣିମା ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଶପଥ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ଟୋକା ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ସାରିଲାଣି, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଶପଥ କଲି, ଏଥର କବାଟ ଖୋଲ। ଟୋକା କବାଟ ଖୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ହଇରେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ବାଟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଏମିତି ଚୋରି ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଧରିଲୁ। ଟୋକା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟାଟି ଭଲ। ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଏ କଥା ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା। ଟୋକା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରି ଜେଜେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚୋରି କରିବା ବାଗ ଜାଣି ନପାରି ଜେଜେଙ୍କୁ ସପରିବାରେ ସୁଳି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା କେମିତି ଭଲ। ରାଜା ଟୋକାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆର ରାଜ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଏଇ ଟୋକାକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟାଟି ଭଲ।